अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका मुझे कमेंट आया हुआ है कि हवावे का 8546 उनके पास मॉडल है, तो उसको जी फोन से ई फोन के लिए फीमवेयर चाहिए। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम हवावे का 8546 का ONU है, इसमें हमारे पास दो डिफरेंट जो है आ रहे होते हैं। एक हवावे का आ रहा होता है और एक हवावे का चाइना मोबाइल के नेम से आ रहा होता है। तो दोनों को किस तरह से हम जो है एक्सपोन करेंगे, इसे हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ये मेरे पास अभी जो है हवावे का चाइना मोबाइल वाला है, अभी ये ऑन है और इसके ही आप देख सकते हैं 8546M मॉडल लिखा हुआ है और ये चाइना मोबाइल में है। और एक हमारे पास मॉडल है हवावे का और ये भी 8546 है। हम दोनों को वन बाय वन जो है एक्सपोन करेंगे। सबसे पहले हमें एक टूल चाहिए हवावे का, जो इसके अंदर री राइट फर्मवेयर करेगा। ये टूल है, सिस्टम को मैंने मैनुअल आईपी दे दिया है 192.168.100.10 का। यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये हमारे पास फर्मवेयर है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और ये पुट करने की यहाँ पे कमांड है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑल लाइट्स इसकी जो है ब्लिंक होना शुरू हो जाएंगी। ये आप चेक कर सकते हैं, ऑल लाइट इसकी ब्लिंक होना शुरू हो गई है। अगर तो ऑल लाइट इसकी ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब है फर्मवेयर इसमें हो रहा है। तो अगर आपका जो पीसी है आप उस पर इसे पुट करते हैं तो ऑल लाइट ब्लिंक नहीं होती, तो आप पीसी चेंज करके देख लें। समटाइम एक पीसी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, आप जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर को चेंज करेंगे तो आपका जो है ये काम करना शुरू कर देगा। ये ऑल लाइट जो है स्टेबल हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये फर्मवेयर जो है इसके अंदर अपडेट हो चुका हुआ है। अब जो है हम इसे बंद कर देंगे। हमारे पास अब हवावे का है एक ONU, एट फाइव फोर सिक्स। और अब जो है यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया है। ONU के जो है ऑन होने का वेट करेंगे, जैसे ही ONU ऑन हो जाएगा तो हम इसको भी इसी तरह ही अपग्रेड करेंगे इसी टूल के थ्रू ही। जैसे इसकी लैंड पोर्ट अप हो जाएगी तो हम इसका इंटरफेस भी ऑन करके चेक कर लेंगे। इसका चार्जर हिल गया है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा दोबारा से ऑन होने का। जैसे ही ऑन होगा तो हम इसका इंटरफेस पहले ओपन करके देखेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें फर्मवेयर जो है वो अपडेट करेंगे। ऑन हो गया है इसका, अप भी हो गया है लैन पोर्ट और चेक करते हैं। ये आप
देख सकते हैं जीपोन का इसमें अभी फर्मवेयर है और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो इसे चाइनीज़ से इंग्लिश कैसे करना है वो भी फर्मवेयर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है और ऑल लाइट इसकी जैसे ही स्टेबल हो जाएंगी हम इसे ऑफ़ करके एक दफ़ा ऑन करेंगे और बाद में फिर इसका इंटरफेस चेक करेंगे कि इसमें हो गया है फर्मवेयर या नहीं हुआ। ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम बंद कर देंगे और मैं इसे पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दिया है। यहाँ पे वेट करेंगे इसके दोबारा से ऑन होने का, जैसे ही ऑन होगा इसका इंटरफेस हम ओपन करेंगे और चेक करेंगे जीपोन से ये एक्सपोन हो गया है या नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये जीपोन से ईपोन हो चुका हुआ है। तो दोस्तों ये इसका फर्मवेयर है, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं पहले शेयर कर रहा था गूगल ड्राइव के थ्रू तो वो हो नहीं रहा था, तो गूगल ड्राइव जो है वो इसे ब्लॉक कर रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसे किसी और साइट के ऊपर अपलोड करके आपसे शेयर करूँ ताकि जो फ़ाइल है वो आपको मिल सके। गूगल ड्राइव जो है वो इस चीज़ को ब्लॉक कर देता है और फाइल जो है मुझे शेयर नहीं करवाने देता। तो इस वजह से लास्ट वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे मिले थे कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें नहीं मिल रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वन ड्राइव या किसी और ड्राइव के ऊपर इसे अपलोड करके तो फिर उसका लिंक आपसे शेयर कर लूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।